अस्सलाम वालेकुम। आज हम कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं साथ देसी चिकन। ये हमने आधा किलो देसी चिकन लिया है, देसी मुर्गी। ये 3 पाव कद्दू लिया है जो हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये टमाटर हैं 2 अदद, ये 5-6 मिर्चें हैं। ये प्याज है 1 बड़ा सा, 1 1/4 चम्मच नमक है, 1/4 चम्मच मिर्चें हैं, 1/2 चम्मच हल्दी है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये थोड़ा सा दही रखा हुआ है जो कल हमने चटनी बनाई थी उसका बच गया था, हमने कहा ये भी हानिया में डाल लें। ये हम अब शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने प्रेशर की आंच पहले ही जलाई हुई है, उसे गर्म किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अदद भर के हमने डाल दी, काफ़ी हो गया, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम ये प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। साथ देसी चिकन है, टेस्ट इसका दुबला हो जाएगा। हाँ भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ये मिर्च मसाला डालेंगे और दही डाल देंगे। ये टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा। टमाटर भी पानी खुश्क हो गया टमाटरों का। अब इसमें हम ये मिर्च मसाला डाल देंगे सारा। और ये दही डाल देंगे इसको भूनने के लिए। ये थोड़ा सा मसाला भून जाएगा तो इसमें ये चिकन डाल देंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है। तैयार करने के लिए चिकन को ये देख लें, मसाले ने भी घी छोड़ दिया है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। ये हम इसमें अब चिकन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको 10 मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखें चिकन अब भून के तैयार हो चुका है 10 मिनट के अंदर अंदर। अब हम इसमें ये कद्दू की सब्ज़ी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भूनेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हमने ये कद्दू इसके अंदर भून लिया है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे क्योंकि हमने इसको हल्का हल्का इसके अंदर शोरबा रखना है। और ये चिकन है देसी, ये ऐसे नहीं गलता। तो हम 10 मिनट प्रेशर बंद करेंगे तो ये सब्ज़ी भी पक जाएगी और चिकन भी हमारा तैयार हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम प्रेशर बंद करने लगे हैं और 10 मिनट के बाद मिलते हैं। ये हमारा प्रेशर चल रहा है, सीटी बोल रही है, पूरे 5 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे। प्रेशर अब हम प्रेशर बंद करने लगे हैं। ये हमें फ्लेम बंद कर दिया है और इसकी ये सीटी उतार देंगे। फिर इसको खोल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने प्रेशर खोल लिया है और हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ये गरम मसाला डाल देंगे आधी चम्मच और ये धनिया जो हमने धो के रखा हुआ है। ये देखिए हल्का हल्का शोरबा भी है। अब हम इसको डिश ऑफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लुक आई है, कितना अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शुक्रिया का मौका दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।